यहाँ पर सीसीआरटी के फंक्शन में आज़ादी के अमृत काल की शुभ वेला, मुझे वाकई महसूस हो रहा है कि शुभ वेला का शुभारंभ हो चुका है यहाँ पे। सीसीआरटी जो संस्था है, जिस तरह से यंग पीपल को वो आकर्षित करती है संस्कृति की तरफ, जो भी उनके कार्यक्रम हो, स्कॉलरशिप्स हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, मेरे ख्याल में आज के दिन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि और इतना सब कुछ हो रहा है हमारे देश में, उसमें सांस्कृतिक धरोहर जो है उसको बचा के रखना, उसकी इम्पोर्टेंस को समझाना और उसको उसके मज़े लेना, मेरे ख्याल में सीसीआरटी इस दिशा में बहुत ज़रूरी काम कर रही है और उनको बहुत बहुत बधाई। कई सालों से मेरा रिश्ता रहा है संस्था के साथ और चाहती हूँ कि ये बरकरार रहे और अपना भी जो मेरा जो स्किल है या मेरी जो रिसर्च है उसको भी इसके साथ जोड़ूं। और आज जैसे एक जो थीम रहा है कार्यक्रम का वो है महिला सशक्तिकरण का, वुमेन आर्टिस्ट का। मैं खुद भी एज अ वुमेन आर्टिस्ट, मुझे बड़ा मुझे हमेशा एक क्यूरियोसिटी रही है, एक इंटरेस्ट रहा है कि औरतों का, महिलाओं का क्या योगदान रहा है इस, हम जो कहते हैं इतने हजारों साल की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसमें महिलाओं का क्या योगदान रहा है। और इस पर ना सिर्फ मेरा रिसर्च है, मैं खुद गाने में भी इसको लाने की कोशिश करती हूँ। जैसा मैं मानती हूँ कि मीराबाई जो 15वीं सदी में जो एक भक्ति संत रह के गई हैं, उस ज़माने में जो उन्होंने कर दिखाया कृष्ण भक्ति के रास्ते में, वो आजकल के ज़माने में जो फेमिनिज्म है उससे किसी तरह से कम नहीं है। तो ऐसे कई सारी औरतें रह चुकी हैं जिनकी जीवनी से हमें काफ़ी प्रेरणा मिल सकती है, ना सिर्फ प्रेरणा जो हमें एक हमारे कल्चरल फैब्रिक को वो जोड़ के रखती हैं, और इस योगदान को समझना, इसको एक्नॉलेज करना, ये भी एक बहुत ज़रूरी काम है। और पीछे आप सुन रहे हैं भारत माता, वंदे मातरम, सब माता माता तो हो रहा है, लेकिन उस जेंडर को और उसके कंट्रीब्यूशन को समझना, बरकरार रखना। और जैसे सीसीआरटी में मैं कितनी सारी मेरा खुद का काम रहा है इन कोलैबोरेशन की, हम जो इनके स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं उनके साथ हम वर्कशॉप्स करते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन जो स्पेस है, आजकल ये जो माहौल हो गया था जिसमें टेक्नोलॉजी को समझना, डिजिटल स्पेस को समझना बहुत ज़रूरी हो गया है, उस समय में हमने काफ़ी स्कॉलरशिप होल्डर्स के साथ बातचीत करी, हमारा इंटरेक्शन रहा, और कहाँ कहाँ से नहीं ये बच्चे आते हैं। और कोई 13 साल की कोई 17 डांसर है, तो कोई भरतनाट्यम कर रही हैं हैदराबाद से, कोई कुचिपुड़ी कर रही हैं, कोई ख्याल गा रही हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो सीसीआरटी को, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत इतना पैन इंडिया एक काम कर पा रही है ये संस्था। और आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे काम और इनके काम में इतनी सिनर्जी है, और आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत खूबसूरती से यहाँ मनाया जा रहा है। आई एम ग्लैड टू हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू।